नमस्कार, मैं अनिल मोहन तिवारी, अध्यक्ष स्मॉल स्केल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मंच पर आसीन हमारी नगर प्रमुख श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में समय निकालकर आने का सुअवसर हमें प्रदान किया। हम अपने पूरी एसोसिएशन की तरफ से श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी के आभारी हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमें प्राथमिकता दी। हम अपने पूरी एसोसिएशन की तरफ उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पंडाल में आकर इस पंडाल की शोभा को बढ़ाया है। मैं मंच पर आसीन और अपने सभी पदाधिकारियों का, श्री मुकेश भाई कोठारी, श्री संदीप कश्यप जी, हर्ष महाजन जी, हमारे छोटे भाई विवेक मिश्रा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, इस एक्सपो को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान और सहयोग दिया है। मैं आभारी हूँ प्रिया राव, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और दिमाग लगाते हुए इस सम्मेलन को सफल बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। और मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का, सारी स्टेट से आए हुए सभी आइसक्रीम फैक्ट्री निर्माताओं का, इस स्टॉल में आए हुए सभी मशीनरी निर्माताओं का, जिन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पर हमें पार्टिसिपेट किया है। प्रीति अग्रवाल जी और अनिल तिवारी जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट अनिल पटौदी जी और गुजरात के प्रेसिडेंट अपना मुकेश कोठारी जी और एमपी के प्रेसिडेंट हर्ष महाजन जी और चेयरमैन हमारे खैराज रिजवानी जी और मेरे उपस्थित साथियों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आप लोग, ये मैडम प्रीति अग्रवाल जी, ये 14 स्टेटों से लोग आए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब लोग वहाँ से आए हैं। और हमारी जो मिनिमम जो तादाद है, मिनिमम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मेंबरों की, वो इस टाइम कम से कम 40 और 50 हज़ार के बीच में है। और दो साल पहले से हमने अपनी ये एक एसोसिएशन का गठन किया था जो कि हम GST की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने अपने दो साल के एक्सपीरियंस में किसी हिंदुस्तान के वित्त मंत्री, टोटल वित्त मंत्रियों से मिला, अरुण जेटली जी से मिला, संतोष गंगवार जी से मिला। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, अपने सारे भाइयों से एकजुट हो जाओ और मेरे साथ खड़े रहो, मैं ये लड़ाई आखिरी दम तक जीत के दिखाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे बीच में आई, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें इतना समय दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैडम ने कहा है, और मैं मैडम से मिलकर अपनी जो अगली, इन्होंने कहा है मेमोरेंडम दीजिए वित्त मंत्री को, तो मैं इनके साथ जाकर जैसे भी होगा समय लेके अपने बाकी भाइयों को लेकर के ये लड़ाई जारी रखेंगे। सम्मानित मंच, मंच पर उपस्थित इस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मोहन तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी VK मल्होत्रा जी, जिन्होंने मुझे आज विशेष रूप पे यहाँ पर आमंत्रित किया है ऐसे, और मेरे सामने बैठे सभी मैन्युफैक्चरर्स, सभी ऑर्गेनाइजर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, इस तरह का आपने आयोजन यहाँ पर किया, बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, इसको बहुत अच्छे से आपने ऑर्गेनाइज किया है। जैसे मुझे पता लगा कि दो साल हो गए, दो साल से आप लोगों के बहुत एफर्ट्स रहे हैं, तो ये मेरा पूरा आश्वासन ही नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रॉमिस नहीं, शब्दों में नहीं, मैं एक्शन पे विश्वास करती हूँ, अभय जी जानते हैं। तो आप लोगों जिस तरह से पूरे देश में आप लोग खुशियाँ बांटते हैं, ये मेरा आपसे वादा है इस मंच से कि जो भी तकलीफ़
आपने मुझे अभी जीएसटी की बताई है, एक रिप्रेजेंटेशन आप मुझे दे दीजिए जो उचित कार्रवाई है, और वो उचित कार्रवाई भी हो और टाइमली भी हो, ऐसा नहीं कि कार्रवाई होगी सिर्फ लेकिन टाइमली भी हो, वो भी मेरा आप लोगों को पूरा प्रॉमिस है इस मंच से। जो लोग दिल्ली को नहीं पूरी इंडिया को, मुझे नहीं पता कि इंडिया से बाहर भी अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लेकिन जो लोग पूरी इंडिया को खुशियां बांटते हैं, मैं उन सब लोगों से मिलना चाहती थी। और उस टाइम पे कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको फ़ोन करके भी बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारी आइसक्रीम्स से मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो आप यूं ही अपनी खुशियां जो आप बांट रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, आप यूं ही अपनी खुशियां बांटते रहिए 24/7। ये मेरा प्रॉमिस है, जीएसटी की प्रॉब्लम है या और कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और एक चीज़, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मल्होत्रा जी, मैं आपके साथ हूँ, कटता है तो कट जाए सारा जीवन संघर्ष में, कदम कदम पर सौदेबाजी ये हमको मंजूर नहीं, कदम कदम पर सौदेबाजी ये हमको मंजूर नहीं। वी आर नॉट हेयर टू प्ले, टू ड्रीम, टू ड्रिफ्ट, वी हैव हार्ड वर्क्स टू डू एंड लोड्स टू लिव। आई प्रोमिस यू आई विल बी विद यू, आपकी कोई भी स्ट्रगल्स हैं पूरी तरह से मैं आपके साथ में हूँ। आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, इतना अच्छा आयोजन किया, आप सब यहाँ दिल्ली आए, नोएडा आए हुए हैं, आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर को मुख्य अतिथि ने जो गरिमामय बनाया और उस गरिमामय वातावरण को कुछ समय के लिए और हमेशा के लिए अपने स्मृति में रखने के लिए स्मृति चिन्ह प्रेजेंट करने के लिए मैं निमंत्रण दूंगा श्री पुनीत मनचंदा जी को और श्री चरणजीत सिंह जी को कि वो मैडम को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जितने भी हमारे साथी आइसक्रीम एसोसिएशन के सारे मेंबर्स और जो हमारे फैक्ट्री ओनर्स देश के कोने कोने से आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन सब लोगों ने यहाँ समय निकाला और आके इस एग्जीबिशन को कामयाब बनाने के लिए सबने एक हाथ जोड़ा। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारी चीफ गेस्ट प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आई, उन्होंने हमें अपना समय दिया और हमें आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में जीएसटी की वो हमारे साथ रहेंगी, जो चीज़ें हम लोगों की अभी अधूरी रह गई हैं वो उसे पूरा करेंगी। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथी और मैं आप सब लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया। स्मॉल स्केल आइसक्रीम एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया, ये डिसाइड किया और पाया कि श्री राजेंद्र सिंह जी बसंत इस लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अति उपयुक्त मैन्युफैक्चरर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैं निवेदन करूंगा श्री चरणजीत सिंह जी से, मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति अग्रवाल से कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री बसंत जी को देकर उनको सम्मानित किया जाए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड धन्यवाद। और इसके साथ ही अब हमारा उद्घाटन समारोह का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है।